हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं बोहेमियन सीसी और प्राग बारबेरियन वेंडाल्स के बीच में होने वाले आज के मैच की। यहां पर मैं आपको बता दूं, आज के दिन का ये दूसरा मैच है। यहां पर बोहेमियन सीसी जो है पहले वीक के चैंपियन रहे हैं, और यहाँ पर प्राग बारबेरियन की अगर मैं बात करूँ तो तीसरे वीक के ये चैंपियन है। बहुत बढ़िया दोनों की दोनों टीम्स है। प्राग बारबेरियन पांच मैचेस इस टीम ने जीते हैं, उसमें से चार ये जीती है। और बोहेमियन सीसी की अगर हम बात करें, चार मैचेस इस टीम ने खेले हैं उसमें तीन जीती है, और एक जो मैच था वो इनका रद्द हो गया था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्राग बारबेरियन वेंडाल ने पांच मैचेस क्यों खेले हैं भाई, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो दूसरे दिन में हमारे पास होते हैं चार मैचेस जो आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। पहला जो इनका फिक्सचर होता है वो तो होता ही है, फिर उसके बाद जहाँ पर जो है सेमीफाइनल, फिर उसके बाद फाइनल। सेमीफाइनल मतलब ये क्वालिफायर टाइप का होता है, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने क्वालिफायर भी खेला, ये भी खेला, अपना पहला जो लीग स्टेज का मैच था वो भी खेला था, और फाइनल भी खेला था उस दिन। और तीनों के तीनों मैचेस लगातार ये वेंडाल टीम जीत कर आ रही है। बहुत बढ़िया टीम है और यहाँ पर हमें बहुत बढ़िया करती हुई दिखेगी। तो अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बोहेमियन सीसी और प्राग बारबेरियन हमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते हुए दिखेंगे। 3:30 बजे हमें मैच लाइव देखने को मिलेगा। स्टॉक पेज फील्ड पर हमें मैच लाइव देखने को मिलेगा। सेकंड मैच है टूर्नामेंट का, चैंपियंस जो है लीग चल रही है अभी, मान के चलो, क्योंकि भैया सारे के सारे जितने भी पहले दूसरे तीसरे चौथे वीक्स के जितने भी चैंपियंस थे वो सारे के सारे यहाँ पर अभी हमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों की दोनों टीम्स वैसे बहुत बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया हमें परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो फास्ट बॉलर को मदद देती हुई दिखेगी पिच। पिच में अगर मैं बात करूं बैट्समैन भी रन बनाकर दे सकते हैं हमें, 50 तो बहुत कम हो गए। यहां पर अगर मैं बात करूं 80 से 90 रन हमें बनते हुए दिखेंगे, और आराम से आप जो है बैट्समैन जो ओपन अगर हम लेकर जाते हैं तो हमारे लिए बढ़िया ज़्यादा सेफ रहेंगे। अब अगर प्राग बारबेरियन की बात मैं करूं तो यहां पर अगर आप देखो, सबसे पहले तो जिन भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर आकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल आपको पता कैसे लगेगा भैया असली टेलीग्राम पे जा रहे हैं नकली पे जा रहे हैं, यहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल रखा है साथ साथ में, तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको ये पता लग जाएगी। और यहाँ पर आप देख लेना भैया, यही लिंक आपको वहाँ पर मिलेगा क्रिकेट एक्सपर्ट 20। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सर्च मार लो, ये आपको आइकन दिखेगा, यहीं पर आपको ज्वाइन होना है। बहुत बढ़िया, आप आराम से यहाँ पर ज्वाइन हो। अभी जो है सारी की सारी अपडेट यहीं पर आपको मिलेंगी, और सारी की सारी अपडेट यहीं पर मैं आपको करने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बारबेरियंस की बात करूँ तो आप देखिए, पहला मैच ये हारे थे, उसके बाद लगातार ये चार मैच जीते हैं, और हाईएस्ट मतलब हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं। आखिरी के तीन अगर आप देखोगे तो भैया 100+ रन रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने रन्स बनाए हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करें हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन कौन कौन से हैं, एस देव जी आप नहीं ड्रॉप कर सकते, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 56 एक विकेट के साथ, 0 17 रन 2 विकेट के साथ, 26 रन 2 विकेट के साथ, 55 रन 1 विकेट के साथ, सीधा सीधा कप्तान का आपके पास ऑप्शन रहेगा। एच गौरी की अगर मैं बात करूँ 3 रन 1 विकेट के साथ, 22 रन, उसके बाद 3 विकेट इसने चटकाई है अगले मैच में, 40 रन और 30 रन आपको हर मैच में पॉइंट देता हुआ दिखेगा। ये देखो भैया, पहले मैच में 25 पॉइंट यहाँ पर, 22 पॉइंट यहाँ पर, इस मैच में आप देखो सीधा सीधा 75 पॉइंट लेकर गया, 3 विकेट इसने चटकाई, 40 पॉइंट यहाँ पर, 30 पॉइंट यहाँ पर, मतलब सिंपल आपको गिनवा रहा हूँ मैं कि देख सकते हो भैया कितने पॉइंट ये लेकर जा रहा है। डी सिंह हमारे पास है, विकेट कीपिंग ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अपनी टीम के, बॉलिंग भी करवा के देंगे और बैटिंग भी करके देंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। प्रदीप राज हमारे पास है, यहाँ पर 5 रन 24 रन 4 रन और 2 रन, ये पूरे की पूरा जो प्लेयर है ये आपको स्मॉल लीग में मतलब आपको बैटिंग ऑप्शन में दिखाई देगा, पर इससे बढ़िया भी प्लेयर हैं तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हो, स्मॉल ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग में आप इसे लेकर जा सकते हो। पी गगम्पा हमारे पास है, यहाँ पर अगर आप देखोगे भैया विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर हम देवेंद्र सिंह लेकर जा रहे हैं उससे अगर इस प्लेयर को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया प्लेयर ये है नहीं, तो अगर आप चाहो तो इस प्लेयर को ट्राई कहाँ कर सकते हो, ग्रैंड लीग या स्मॉल ग्रैंड लीग में। एंड्रयू सिम हमारे पास है, जे हफीक हमारे पास है, जे हफीक आपको बॉलिंग करवाता और दिख जाएगा प्लेयर। उदय गली हमारे पास है, पर ये प्लेयर यार भैया अंदर बाहर इसके साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, या तो के भटनागर खेलेगा या नहीं तो आपको एस कुलकर्णी खेलता हुआ दिखेगा, या नहीं तो यू उदीगला खेल यू गल गली खेलता हुआ दिखेगा, या नहीं तो अगर मैं बात करूं
बी कुमार या जे स्टोफमैन, ये पांच प्लेयर आपको अंदर बाहर आते हुए दिखेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो उदय गली को लास्ट मैच खिलाया गया था, बॉलिंग करवाई पर यहाँ पर विकेट नहीं ले पाया। जे स्टोफमैन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर दो विकेट इसने ली हैं पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसकी सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है ड्रीम इलेवन पर, दो विकेट ही चटकाई हैं, पर आपको जब भी ये खेल रहा है तब आपको पूरे के पूरे दो ओवर करके दे रहा है। तो उस हिसाब से प्लेयर्स ने अगर इस प्लेयर को उठाया तो बहुत बढ़िया प्लेयर है। उसके बाद एस माही रेड्डी की अगर मैं बात करूं, इस प्लेयर की सिलेक्शन बहुत कम है यार, इस प्लेयर को हमें पक्का लेके जाना है क्योंकि कंसिस्टेंसी से विकेट चटका रहा है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमें मिलेगा। उसके बाद बी कुमार की अगर मैं बात करूं तो इसे बहुत कम मैचेस खिलाए गए हैं और इसकी बैटिंग भी बहुत कम आई है, एक ही मैच में 6 रन बनाए हैं। अगर आप चाहो तो इसे ग्रैंड लीग में, पर ये वैसे मुझे नहीं लगता भैया ग्रैंड लीग का ही प्लेयर है, पर आप लेकर जा सकते हो। ग्रैंड लीग में कभी कभार होते हैं भैया ऐसे ही प्लेयर जो कभी कभार कर जाते हैं ऐसा कमाल, जो मज़ा ही आ जाता है टीम में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, आप देखोगे एच गौरी आपको सारे के सारे मैचेस खेलता हुआ दिखेगा और यहाँ पर सारे दो दो ओवर आपको करवाता हुआ दिखेगा। एस देवजी की अगर आप बात करो तो एक ओवर भी करवा रहा है तब भी वो विकेट लेकर जा रहा है, दो ओवर करवा रहा है तब भी वो विकेट लेकर जा रहा है। तो आप देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे पास रहने वाला है। एस भटनागर को ये कंसिस्टेंसी से नहीं खिला रहे हैं, अगर खिलवाते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन एस के भटनागर का भी रहेगा, क्योंकि के भटनागर आपको ज़्यादा ओवर और यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया विकेट लेकर दिखा लेते हुए दिखेंगे। तो बोहेमियन सीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चार मैचेस इस टीम ने खेले हैं उसमें तीन जीती है एक हारी है। एक हारी भी क्या है, मतलब वो मैच जो हुआ इनका हुआ ही नहीं, तो तीन के तीन मैचेस इसने जीते जितने इसके कंप्लीट हुए। यहाँ पर अगर आप देखोगे एस मुख्तार इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, आपको पहली टीम में ही मैं बता चुका हूँ बहुत बढ़िया प्लेयर है, 26 रन और 19 रन। फिर उसके बाद अली वकार को ओपन करवाया गया फाइनल के मैच में, पर ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाए, पर हाँ इसने बॉलिंग करवाई है। इन यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख जाएगी कि कंसिस्टेंसी से सिर्फ और सिर्फ पांच ही बॉलर बॉलिंग करवा रहे हैं और वो ही पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग करवाई होनी पांच ने, तो वही पांच हमें उठाने हैं। फिर उसके बाद एस भूमियान हमारे पास है, 3 रन 36 रन के साथ 2 विकेट, 3 रन के साथ 1 विकेट। आर सिंह बिस्ट यहाँ पर 4 रन के साथ 1 विकेट इसने चटकाई है। फिर उसके बाद अगर आप बात करो अब्दुल हमारे पास हैं 14-8 और यहाँ पर 2 विकेट। फिर उसके बाद जे इकबाल हमारे पास है 21 रन के साथ 1 विकेट, 10 रन के साथ 2 विकेट। फिर उसके बाद जेड महमूद हमारे पास है 7 रन 1 रन और 20 रन। डब्ल्यू एल रहमान और यहाँ पर वसीम सरदार जो है ना कंसिस्टेंसी से टीम में खिलाया गया है, पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको ये दिखाई देगा कि भैया प्लेयर्स इन दोनों ने कुछ करा नहीं है, ना बैटिंग ना बॉलिंग। यहाँ पर एम नबरखील जो है इन्हें इस मैच में दूसरे मैच में ओपन करवाया गया था, कुछ करा नहीं इस प्लेयर ने ओपनिंग इनकी। मतलब एक प्लेयर तो पूरा का पूरा पक्का है कि हाँ एस मुख्तार करेगा, पर साथ में जो आता है उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यार तीसरे मैच में ऐसे करवाया गया, दूसरे मैच में ऐसे करवाया गया, पहले मैच में आप जेड महमूद को भेज रहे हो, तो यहाँ पर तीनों के तीनों मैचेस में अलग अलग ओपनर्स आए हैं, तो वो हमें एक देखकर चलना पड़ेगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो भैया सारी की सारी बॉलिंग डिपार्टमेंट इनकी तीन, ये पांच प्लेयर ही आपको दिखाई देंगे सारे के सारे, इन्होंने ही तीनों मैचेस में ओवर करवाए हैं, तो यही पांच हमें रखने हैं। और लास्ट मैच में तो इनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था बॉलिंग से सारे के सारे प्लेयर्स का, सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर जो है विकेट लेकर गए थे। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्राग बारबेरियन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भैया बहुत तगड़ी टीम है प्राग बारबेरियन, आखिरी के तीन मैचेस में तो भैया 100+ रन्स भी मार के गई है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फेवर कर सकते हो इस टीम को, 6 प्लेयर इसके लेकर जाओ, 5 लेकर जाओ बोहेमियन के, पर 7-4 आप नहीं कर सकते क्योंकि यार उसमें भी 5 प्लेयर तो हमें बढ़िया देखने को मिल ही रहे हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पर टीम की बात कर लेते हैं, सारे के सारे स्टैट्स मैं आपको बता चुका हूँ, सारी की सारी परफॉर्मेंसेज मैं आपको बता चुका हूँ, तो अभी जो है हम यहाँ पर टीम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टीम की बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, अगर आप देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डी सिंह और यहाँ पर पी गगम्पा। और यहाँ पर अगर दूसरी टीम की अगर आप बात करो तो यार यहाँ पर एम नबरखील एक मैच में खेले, पी आर जगतप जो है यहाँ पर ये भी प्लेयर खेला है एक आधे मैच में, और यहाँ पर एम जुबैर। तो यहाँ पर आपको यही दोनों प्लेयर बढ़िया लगेंगे और उसमें बेस्ट जो है डी सिंह है, तो डी सिंह ही यहाँ पर लेकर जाना बढ़िया होगा। पी गगम्पा अगर आप चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग का प्लेयर ये रहने वाला है, डिफरेंशियल पिक आपके लिए रहेगा। बैटिंग में अगर आप बात करो एस देवजी एस मुख्तार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अपनी अपनी टीम के, एस देवजी विकेट भी चटका रहा है ओपन कर रहा है, एस मुख्तार अपनी टीम का हाईएस्ट स्कोरर है, तो इन दोनों प्लेयर्स को हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तीसरे प्लेयर में आपको कौन कौन से प्लेयर दिखाई देंगे, एक जेड महमूद है हमारे पास जिन्होंने पहले मैच में ओपन करा था, जे हफीक हमारे पास हैं,
फिर उसके बाद हमारे पास पी बालाकृष्णन है। बालाकृष्णन की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेयर ज़्यादा बढ़िया आपको दिखाई देगा और ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखाई देगा, बॉलिंग भी करवा सकता है अपनी टीम के लिए। यहाँ पर जे हफीक की अगर मैं बात करूं, एक मैच में इसने बॉलिंग करवाई थी और वैसे ज़्यादातर मैच में बैटिंग ही करी है, तो यहाँ पर आपके लिए जो है ये रहेगा ग्रैंड लीग की चॉइस। जेड महमूद हमारे पास एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेगा, पर अभी जो है फाइनल के मैच में इसने बहुत नीचे आके बैटिंग करी थी, पर आप जेड महमूद को अपनी टीम में लेकर जा सकते हो। पर आपको आगे भी टीम्स लेनी है, आगे भी प्लेयर बढ़िया लेने हैं, तो इस वजह से मैंने पी बालाकृष्णन को यहाँ पर फेवर करा है। फिर उसके बाद बैटिंग ऑप्शन की अगर आप बात करोगे, एस भूमियान, एच गौरी, जे इकबाल और यहाँ पर ए फराड, ये चारों के चारों प्लेयर बढ़िया रहेंगे। यू गली की अगर आप बात करो तो ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस हो सकता है, क्योंकि भैया यू गली कंसिस्टेंसी से प्लेइंग 11 में अंदर बाहर हो रहे हैं, और दूसरी बात ये कंसिस्टेंसी से मतलब विकेट्स भी नहीं चटका रहे हैं। एक बात तो ये दो विकेट इसने चटकाई हैं लगातार, बैक टू बैक दो मैचेस में चटकाई थी इसने। और एक आर सिंह का ऑप्शन है जो मतलब अपनी टीम के लिए तीनों मैचेस में दो दो ओवर करवाए हैं, करीब जो है इसने 6 ओवर करवाए हैं अपने पूरे कंप्लीट, एक विकेट लेकर गया है। तो ये जो प्लेयर हैं ये हमारे लिए, आप जो आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेगी, आप ए फराड को ड्रॉप करो, जे इकबाल को ड्रॉप करो, या मतलब जिसको भी ड्रॉप करना है आर सिंह को लेना चाहो तो ले लो। अगर किसी ऐप में आपको 5 या 6 ऑलराउंडर लेकर जाने का ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पर आप जो है यहाँ पर आर सिंह को भी लेकर जा सकते हो। फिर उसके बाद बॉलिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, जेस टूमैन को बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ना फेवर करा हुआ है। जेस टूमैन अगर आप देखोगे, 2 विकेट इसने पिछले टूर्नामेंट में चटकाए, 5 गेम्स टीम ने खेले और वहाँ पर जेस टूमैन ने सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट और वो भी एक मैच में चटकाया, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एस माही रेड्डी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। ए वकार अपनी टीम के लिए कंसिस्टेंसी से बॉलिंग करवा रहा है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो के भटनागर अंदर बाहर आ रहा है, पर जितने मैच में अंदर आया है सब मैचेस में विकेट चटकाई हैं इस प्लेयर ने, तो उस हिसाब से हमारे पास बढ़िया रहेगा। और कम भी पॉइंट्स का है तो उस हिसाब से भी हमारे पास बढ़िया रहेगा। एच हसन आप जो है ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में हमें कुछ बढ़िया करके दे सकता है ये। तो ये पूरी की पूरी टीम रहने वाली है। अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी टीम्स डिस्कस कर लेते हैं, पहली टीम स्मॉल लीग की टीम, यहाँ पर कप्तान जो रखे हैं एस देव जी रखे हैं, एस भूमियान एज अ वाइस कप्तान, डी सिंह, एस शकीब, फिर उसके बाद पी बालाकृष्णन, जे इकबाल, ए फराड, एच गौरी, ए वकार, फिर उसके बाद एस माही रेड्डी और के भटनागर। ये पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल लीग फेवरेबल है, हेड टू हेड में हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो है कप्तान एस देव जी हैं, वाइस कप्तान हमारे पास एच गौरी हैं, डी सिंह है, एस शकीब हैं, फिर उसके बाद पी बालाकृष्णन है, जे इकबाल हैं, फराड एस भूमियान है, फिर उसके बाद ए वकार रखे हैं, जेस टूमैन और यहाँ पर के भटनागर। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये टीम भी आपको वैसे स्मॉल लीग फेवरेबल ही दिखाई देगी, पर यहाँ पर आप स्मॉल ग्रैंड लीग में भी लेकर जा सकते हो इस टीम को। ये ही टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिख सकती है स्मॉल ग्रैंड लीग में। यहाँ पर एस भूमियान एज अ वाइस कप्तान नहीं रखे हैं मैंने, एच गौरी एज अ वाइस कप्तान और कप्तान जो एस देव जी रखे हैं। जेस टूमैन को यहाँ पर मैं लेकर गया हूँ, तो ये एक यही ऑप्शन है जो मैं चेंज करूँगा अगर करूँगा तो। और आपको अपडेटेड टीम कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी अपडेटेड टीम, तो टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो वो ज्वाइन कर लो। एस भूमियान एज अ कप्तान रखे हुए हैं, वाइस कप्तान जो है डी सिंह रखे हुए हैं, जेड महमूद है, एस देव जी हैं, फिर उसके बाद अगर आप बात करो पी बालाकृष्णन है, फिर उसके बाद ए फराड, एच गौरी और यू गली, फिर उसके बाद एच हसन, ए वकार और जेस टूमैन। ये पूरी की पूरी टीम ग्रैंड लीग फेवरेबल है, ग्रैंड लीग फेवरेबल प्लेयर्स मैंने यहाँ पर जो है फेवर करे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरी की पूरी टीम ग्रैंड लीग में हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी। एक स्मॉल लीग की टीम, एक स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम और एक ग्रैंड लीग की टीम मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। सारी की सारी डिटेल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। टेलीग्राम में अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको आकर ज्वाइन हो जाना है, फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।